मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू टी एस एस द स्कूल. माई सेल्फ स्वाति महावर. टुडे वी स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ क्लास 10. वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. दिस इज द 8th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. 7 पार्ट इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं, आगे 2-3 पार्ट और हैं, तो ये 8th पार्ट है इस चैप्टर का. कम टू द पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 पर आ जाइए. पेज नंबर 70 पर हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ चुके थे, ठीक है, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे. कम टू पेज नंबर 70 नाउ. लास्ट प्रीवियस 7th वीडियो के अंदर हमने मास प्रोड्यूस कार तक हमने पढ़ लिया था कि टी मॉडल फोर्ड की उन्होंने कार निकाली थी, हेनरी फोर्ड कार्स के जो ओनर थे उन्होंने. नाउ एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क. अब जो पहले के जो वर्कर्स थे फोर्ड फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते थे, तो उनके सामने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. वो ये प्रॉब्लम था कि जो भी स्पीड अप हो गया, जो नया बिजनेस उनके सामने स्टार्ट हो गया था, तो उसको समझ पाना उनके लिए बहुत क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था. सो दे क्वाइट क्विट इन लार्ज नंबर्स. तो उन्होंने क्विट करना शुरू कर दिया. इन डिस्परेशन फोर्ड डबल द डेली वेज टू $5 इन फेब्रुवरी 1914. एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट. अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि लोगों ने क्विट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्कलोड अब क्या हो चुका था, बढ़ चुका था. उस कंपनी का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा स्पीड अप हो चुका था, जिसकी वजह से जो वहाँ का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया. तो लोगों के सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन पे, इतना ज़्यादा लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्विट करना शुरू कर दिया. उसके बाद कंपनी ने $5 इंक्रीज़ कर दिए उनकी सैलरी और वेजेस जो उनको देता था उसके अंदर. एंड बैंड ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाना उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया कि उनके प्लांट के अंदर कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बनाएगा, ठीक है. ट्रेड यूनियन जानते हैं ना आप लोग, जो एक वर्कर्स का जो यूनियन होता है, जो अपने खुद के 10-15 लोगों का खुद का जो यूनियन बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रेड यूनियन. हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रैपिडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर. अब हेनरी फोर्ड का जो बिजनेस था बहुत अच्छा एक्सपेंड हो चुका था, जिसकी वजह से वो क्या चाहता था कि उसके वर्कर्स वर्क हार्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उनको अच्छा बिजनेस अवेलेबल कराएं. So much so he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made. अब उसने क्या किया, उनका जो वेज जो था वो उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया. जैसे पहले उनको $100 मिलते थे, तो अब कितने डॉलर मिलने लग गए उनको, $200 मिलने लग गए, ठीक है. तो बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो था वो, सबसे बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो था वो यही था कि उसने उनका वेजेस क्या कर दिया, डबल कर दिया. Fordist industrial practices soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in the 1920s. और यही इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस जो था US के बाद में पूरे यूरोप के अंदर कॉपी किया गया. मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर गुड्स का सबसे हाई लेवल पर प्रोडक्शन किया जाने लगा यूरोप के अंदर. थैंक्स टू हाइयर वेजेस मोर वर्कर्स कुड नाउ एफर्ट टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार्स. अब क्या हुआ, हायर वेजेस होने की वजह से वर्कर्स के हाथ में भी पैसे आ गए, और वो इस लायक हो गए कि वो हाईली ड्यूरेबल कार्स को क्या कर सकें, खरीद सकें. कार प्रोडक्शन इन द US रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929. कितना बड़ा जंप आया, देखो 2 मिलियन तो था 1919 के अंदर, और 5 मिलियन कब हो गया, 1929 के अंदर. सिमिलरली देयर वॉज अ स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर्स ऑल्सो ऑल थ्रो अ सिस्टम और हाइयर परचेज दैट इज ऑन क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट. अब ये सारी चीज़ें जो थी, जैसे कि घर के अंदर काम में आने वाली चीज़ें, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सारी जो थी वो हायर परचेज पे लोग परचेज करने लगे. हायर परचेज यानी कि हफ्ते के अंदर पैसे चुका देंगे या मंथली के अंदर पैसे चुका देंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट और वीकली इंस्टॉलमेंट वो लोग बांध लेते थे, और ये सारी चीज़ें वो लोग परचेज कर लेते थे. द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो फ्यूल्ड बाय अ बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप. अब रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स की जो डिमांड थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई, उसके अंदर भी बूम आया.
इन हाउस कंस्ट्रक्शन, और हाउस कंस्ट्रक्शन में बूम आने की वजह से इन सभी चीज़ों के अंदर भी बूम आया था। ठीक है, लोग घर बनाते हैं, घर के अंदर फिर सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए सारी चीज़ें खरीदते थे, तो इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था। फाइनेंस वंस अगेन बाय लोन्स, और वापस लोन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें लोगों को क्या की गई, फाइनेंस की गई, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई कि वो लोग ये सारी चीज़ों को कंज्यूम कर सके, परचेज कर सके। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द US। अब जो हाउसिंग और कंज्यूमर बूम जो आया था, ठीक है, लोगों का घर बनाना, फिर उसके बाद में कंज्यूमर गुड्स खरीदना, चीज़ें खरीदना जो डायरेक्टली जो कंज्यूम करने के काम में लेते थे, तो वो क्या था, मेन बेस था प्रॉस्पेरिटी का कहाँ पर, US के अंदर। धीरे धीरे US की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और ये पूरा एक क्या चला, एक पहिया चला, एक साइकिल चला कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और ज़्यादा लोगों की क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम ज़्यादा होने की वजह से उनका कंजप्शन डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कंजप्शन डिमांड इंक्रीज़ हुआ, ज़्यादा कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद में इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता गया और इनकम इंक्रीज़ होती गई। आया आप लोगों के समझ में कि अगर कंपनीज़ ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया तो लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों के हाथ में पैसे आए तो उन्होंने चीज़ें खरीदी, चीज़ें खरीदने के बाद कंजप्शन क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब डिमांड ज़्यादा हुई, ज़्यादा खपत हो गई, तो फिर इंडस्ट्रीज़ ने वापस से मनी बूस्ट किया इकोनॉमी के अंदर और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, और वापस से ये पूरा सिनेरियो चलता गया, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1923 की अगर हम बात करते हैं तो US रिज्यूम एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब US ने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर, और सबसे बड़े लेवल पर उसने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया कि वो कैपिटल क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, यानी मशीन्स वगैरह क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। कहाँ पर, वर्ल्ड में। कौन करेगा, US। कहाँ, वर्ल्ड के अंदर क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल का। कैपिटल क्या होती है, मशीन्स होती है। आया समझ में, मशीन्स भी होती है और मनी भी होता है, दोनों को हम किस फॉर्म में लेते हैं, कैपिटल फॉर्म में लेते हैं। US इम्पोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स ऑल्सो बूस्ट यूरोपियन रिकवरी एंड द वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। अब US का इम्पोर्ट करना, कैपिटल एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें आने की वजह से भी बूस्ट आ गया यूरोप के अंदर, और यूरोप की जो रिकवरी थी, जो पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी उनको लॉस हुआ था, उन सब की रिकवरी करना उन्होंने शुरू कर दिया। एट दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट, और लास्ट तक आते आते सारी चीज़ें क्या साबित हो गई, सही साबित हो गई, यानी कि जो जो कंपनीज ने स्टेप उठाए थे वो सारे स्टेप क्या हो गए, सक्सेस हो गए। बाय 1929 द वर्ल्ड वुड बी प्लंग्ड इनटू अ डिप्रेशन सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, और 1929 तक आते आते इतना डिप्रेशन जो था, इतना जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जितनी उन्होंने पहले कभी भी क्या करी थी, एक्सपीरियंस नहीं की थी। ठीक है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन को उन्होंने क्या कर लिया, कोप अप कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज़ द ग्रेट डिप्रेशन। अब जैसे 1929 तक जो भी डिप्रेशन उन्होंने कोप अप किया था, उस डिप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, द ग्रेट डिप्रेशन यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली, और 4 to 5 marks का क्वेश्चन आता है इसमें से, 3 to 5 marks का। ठीक है, एक तो 3 marks के आते हैं और एक 5 marks के आते हैं, तो 3 marks का भी आ सकता है और 5 marks का भी आ सकता है। नाउ द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड, इसको मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट, ओके। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। ग्रेट डिप्रेशन का जो ईयर था वो कौन सा था, 1929, और वो कब तक चला, 1930s तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड ट्रेड। अब ये जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड, इन सब चीज़ों के अंदर डिक्लाइनेशन आया था, ये सारी चीज़ें डिक्रीज होने लगी। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्रीज, बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजंस एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था इस डिप्रेशन का, वो किसको हुआ था, एग्रीकल्चर को और कंपनीज को। ठीक है, एग्रीकल्चर रीजंस और कम्युनिटीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन हुई थी। दिस वॉज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइजेस वॉज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग दैट इन द प्राइजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स दोनों के प्राइजेस क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, क्योंकि
पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर इनका सेलिंग डिक्लाइन हो गया था, बिकना माल बिकना बंद हो गया, तो इसकी वजह से इनको प्राइसेस क्या करने पड़े, डिक्लाइन करने पड़े। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। अब ये तो क्या आ गया, कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेजाइल द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज। फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया। दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस। और किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इसकी सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और जिसकी वजह से प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए थे। एज प्राइजेस स्लम्ड एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन, अब एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो गया था, प्राइसेस क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम, ठीक है। अब प्राइसेस स्लम्ड होने की वजह से, एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन होने की वजह से फार्मर्स ने क्या सोचा कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें ताकि ओवरऑल इनकम हमारी क्या हो सके, अच्छी हो सके। दिस वर्जेंट द ग्लट इन द मार्केट पुशिंग डाउन प्राइसेस, और उनका यही सोचना उनके लिए गलत साबित हो गया, और ज़्यादा ज़्यादा बनाने के चक्कर में उन्होंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो गए, डाउन हो गए। फार्म प्रोड्यूस रूटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स, ठीक है। फार्म प्रोड्यूस जो था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, ख़राब होने लग गया, और जिसकी वजह से उनको अपना प्रोडक्ट बाद में क्या करना पड़ा, उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। सेकंड, इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द US। मैंने आप लोगों को बताया था कि लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी US ने पूरे वर्ल्ड को। तो US से उधार लेने की वजह से, वाइल इट वॉज ऑफन एक्सट्रीमली ईजी टू रेज लोन्स इन द US वैन द गोइंग वॉज गुड, ठीक है। बहुत ईजी था US से लोन लेना, लेकिन उसको चुकाना बहुत क्या था, मुश्किल था। US ओवरसीज लैंडर्स पैनिक एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 US ओवरसीज लोन्स अमाउंटेड टू ओवर 1 बिलियन। US ने कितना लोन दे दिया, 1 बिलियन का लोन दे दिया। अ ईयर लेटर इट वॉज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है। और एक साल बाद उनके पास सिर्फ कितना पैसा आया, 1/4 ही आया। कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रूशियली ऑन US लोन्स नाउ फेस एन एक्वेट क्राइसिस। अब जो कंट्रीज उनके ऊपर डिपेंड थी, यानी कि US, पहले मैंने आप लोगों को बताया था US क्या था, क्रेडिटर से क्या बन गया, वो डेप्टर बन गया। पहले वो लोगों को उधार दिया करता था, बाद में उसकी क्या कंडीशन हो गई कि उसको उधार लेने की नौबत आ गई थी। तो 1 बिलियन का जहां वो लोन देता था, वहां उसके किस पे आ गया, वो क्वार्टर के ऊपर आ गया, यानी कि वो खुद पैसा दूसरों से उधार लेने लगा, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ उसके ऊपर डिपेंड थे, वो कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा उनकी क्या हो गई थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि अब हम किस कंट्री से पैसे उधार लेंगे। समझ में आया आप लोगों को, ये पार्ट मैं आपका यहीं फिनिश करती हूँ। ये आपका यहाँ पे 8th पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ेंगे 9th पार्ट, इसके आगे से हम जो कंटिन्यू करेंगे वो किस में पढ़ेंगे, 9th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो रीड इट केयरफुली, रीड द चैप्टर केयरफुली, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स विच आई गिव यू लेटर। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।